दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को मैं ज्योति नेगी गैड़ा का प्यार भरा पहला प्रणाम नमस्कार। तो नए साल के बाद आज मैं कर रही हूँ, 5 जनवरी है आज। आज ब्लॉग स्टार्ट आज की डेट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 5 जनवरी है, उल्टा दिखाई दे रहा होगा। हाँ, शुक्रवार है आज और मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इतने दिनों से ब्लॉगिंग करी भी नहीं न्यू ईयर के बाद, क्योंकि एक तो मेरे पहाड़ के ब्लॉग ना एडिट नहीं हुए थे, फ़ोन में स्पेस भी नहीं था, मुझे एडिटिंग करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो न्यू ईयर के साथ साथ हमें बहुत बुरी खबर मिली। बुरी खबर ये कि जो हमारी सबसे बड़ी ताई जी हैं, पापा की 6 भाभी हैं, पापा लोग 7 भाई हैं, 7 भाइयों में से 6 भाई तो पापा के स्वर्गवास हो गया है और 7वें नंबर के पापा हैं। बाकी जो उनकी जो सबसे बड़ी भाभी है, एक भाभी की पहली डेथ हो गई थी पापा की, मुंबई वाली, तो 2 भाभीयों की पापा की डेथ हो गई है, जो एक खिमदा है उनकी मम्मी की। उनके तो पापा तो वो उसमें लड़ाई में, स्वतंत्रता की जो हमारी लड़ाई हुई थी उसमें डेथ हो गई, और उनकी मम्मी की भी डेथ हो गई थी पहले ही। बाकी एक भाभी जो मुंबई वाली है उनकी भी डेथ हो गई, और जो आज ये वाली जो भाभी हैं, सबसे बड़ी भाभी हैं फैमिली की। आपने उनको देखा होगा हमारे पहाड़ वाले व्लॉग्स में, जो मैंने बाखली वाला व्लॉग्स बनाया हुआ। वैसे तो मोस्टली व्लॉग्स में आपने देखा होगा उन्हें जब हम पहाड़ गए थे, पर जो बाखली वाला व्लॉग है ना, उसमें भी मैंने उनका इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये मेरे हमारे दादाजी की, मेरे बुढ़े ससुर जी की सबसे बड़ी बहू है और मेरी सासू माँ सबसे छोटी बहू है करके। तो उनका मतलब बहुत दुख हुआ। देखिए ना, एक जो पीढ़ी है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, तो बुरा तो लगता ही है ना। और वो सबसे बड़ी बहू थी हमारी गैड़ा फैमिली की, तो बहुत बुरा लगा उनके जाने का। और अभी वो वैसे तो पहाड़ी रहती थी, तो अभी कुछ टाइम हो रहा है उनको दिल्ली गए हुए। उनका बेटा जो हमारे चंचलदा हैं वो दिल्ली रहते हैं, तो उनके साथ गई हुई थी। तो वो लोग इलाज के लिए लेके गए थे, पर उनको अटैक आ गया। तो क्या कर सकते हैं, जब इंसान का टाइम कंप्लीट हो जाता है तो जाने में टाइम नहीं लगता है। पर जो भी है, ताई जी की आत्मा को भगवान शांति दे। तो उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट भी नहीं किया था, तो मैं व्लॉगिंग में बता भी नहीं पाई थी। मतलब उसके बाद मैंने व्लॉगिंग करी नहीं, तो मैं बताती कैसे। बाकी आज पवन और दीदी भी जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि उस दिन जा नहीं पाए थे, तो आज जा रहे हैं ये लोग। कल की छुट्टी ले रखी है पवन ने, आज रात को जाएंगे, कल वहाँ पर पहुँच के कल वहाँ से वापस आ जाएंगे। ये बाकी इसको देखो, ये इन दोनों का मुहार हिला दिया है। हाँ, तो और हल्द्वानी का मौसम भी बड़ा ही जबरदस्त हो रहा है। मैं बाहर जाके आपको दिखाती हूँ। सुबह तक तो थोड़ा थोड़ा धूप जैसी आ रही थी, लेकिन इतना कोहरा आ गया अभी शायद से, और थोड़ा सा मौसम साफ हो रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको बाहर जाके कैसा मौसम है, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। आज काफी दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। वैसे व्लॉग तो कंटिन्यू, आजकल मैं ना बहुत गैप गैप में भी व्लॉग आ रहे हैं। रुक जाओ ना, तो यहाँ पे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अभी तो पापा उठ गए यहाँ से। बाकी यहाँ पे मम्मी देख रही है न्यूज़, यहाँ पे न्यूज़ चल। बाहर का मौसम देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त हो रहा है। अभी तो थोड़ा सा कोहरा खुल गया है, थोड़ा कम हो गया, लेकिन सुबह इतना ज़्यादा कोहरा था ना, अभी भी है ही और आते रह रहा है कोहरा। ये सूर्य देव का पता नहीं है, बारिश नहीं हो रही, कोहरा है। चलो अंदर चलो। पवन जहाँ जाते हैं ना लामा चौड़ को, वहाँ तो इतना ज़्यादा कोहरा रहता है, वहाँ तो डेली का कोहरा रहता है। पता नहीं पवन कैसे जाते हैं इतनी ठंडी में। बाय गॉड, स्कूटी चलाने में तो हालत ख़राब हो जाती है इस कोहरे में। इससे अच्छा तो पहाड़ों का ठंडा अच्छा होता है, इस कोहरे से ज़्यादा अच्छा पहाड़ अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ का ठंड ना हाथ पाँव में लगती है, पर यहाँ की ठंड ना छाती झगड़ती है बिल्कुल। देखा तो काशी ने पेस्ट्री वेस्ट्री खाई, चम्मच और ग्लास रखा पेस्ट्री के डब्बे के अंदर, और इसमें पानी भी यहाँ गिरेगा। अम्मा से बोल ली, लो अम्मा आपका पार्सल आया है। बोल देखो, देखा पेस्ट्री खा के पार्सल अम्मा को दे दिया है, खाली डब्बे में गिलास और चम्मच भर के। पादर, पादर मेरी बैडी। तो कैसी जा रही है आपके हॉलीडेज, कुछ बताओगी? कहाँ ले जाएं यार बेटा? पापा तो वहाँ वहाँ जा रहे हैं यार, वो दादी जी एक्सपायर हो गई ना, उनके यहाँ जा रहे हैं। पापा घूमने थोड़ी जा रहे हैं। ये बटो बाल देख अपने, जरा टोपी देख कैसी कर दी है, देख जरा। फोटोज यार नित्या वेस्ट मत करो यार बेटा, देखो नित्या के बाल पहले इतने बड़े थे कि मैंने छोटे करा दिए। मुझे दे मेरी फोटो। ये मैं और पवन, पवन पवन ने थकले हो रहे हैं। पवन कितने
तेरे पवन लगते हैं। मेरी काशु के भी तो बाल सुंदर सुंदर थे, मेरी भी। मम्मा ने गंजा कर दिया। नहीं तो ऊपर सीन है। दोस्तों फाइनली हम लोग लकी हैं कि हम लोग पीली कोठी साइड रहते हैं, तो हमारे इधर तो धूप आ गई। अभी उस साइड ब्लॉक कटघरिया लामा चौड़ कमल बाग आ जाए मेरे माई के साइड कोहरा ही होगा, ये श्योर है। हमारे इधर को धूप आ जाती है थोड़ा, मार्केट साइड को, जितना जितना मार्केट साइड को जो लोग रहते हैं इधर को धूप आ जाती है। तो हमें तो हो गए हैं सूर्यदेव के दर्शन। देखिए पहाड़ के संतरे आ रखे हैं, हमारे मोहनदा ने भेज रखे हैं ये, तो हम खा रहे हैं पहाड़ के टेस्टी टेस्टी संतरे। और मम्मी पापा यहाँ पे बैठ चुके हैं, हम लोग खाना पीना खा के आ चुके हैं ऊपर, और अब हम खाते हैं बढ़िया से संतरे। तूने खाना खा के मुंह भी नहीं साफ किया, सो जा यार तू थोड़ी देर सो जा, कौन मना कर रहा है। मैं तो थोड़ी देर सोऊंगी यार, जैसे कि हम इसको कुछ काम के लिए भेज रहे हैं ऐसे बोल रही है नित्या। मैं तो थोड़ी देर सोऊंगी यार, बल पढ़ाई कर ली अब सो जा। देख बुबू, देख देख बुबू ने आसन बिछा दिया, ये देखना हाँ बुबू का स्टाइल देखना हाँ। छोड़ 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 छोड़, ये संतरा दे के आ रही है बुबू को। तो दोस्तों फाइनली सूर्यदेव के आसपास बादल साफ, अब भगवान करे ये धूप रहे थोड़ी देर, नजर ना लगे इस धूप को। क्लास के बच्चे पहले मैंने 9:30 बजे बुलाए थे, फिर कोहरा बहुत था तो मैंने बोला फिर शाम को 3 बजे से ही स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वो भी छोटे ही बच्चे हैं और ठंड लग जाती है सुबह सुबह स्कूटी में। स्कूल की छुट्टियाँ ही ठंड की वजह से हो रखी हैं, तो मैंने सुबह सुबह बुला दिया फिर सही नहीं है ना, बीमार पड़ गए बच्चे तो इसलिए मैंने शाम को बुला रखे। अब हम करते हैं अपना संतरा इंजॉय। और आज मैंने सोचा है यार व्लॉगिंग करूंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैं बहुत मजे में आ गई हूँ ना, मेरे डेली रूटीन व्लॉग्स आ रहे हैं ना, मैं व्लॉगिंग कर पा रही हूँ और ना ही मतलब एक रेगुलर मेरे व्लॉग्स में एडिट करके डाल रही हूँ। तो अब मैंने सोचा है अब डालूंगी, न्यू ईयर से ही सोचा था पर हो नहीं पाया, चलो कोई नहीं देर आए दुरुस्त आए। नित्या ने अपना चोकोपाई खा लिया है और काशी ना उसको चिढ़ा रही है। सेंटा पाई चौको पाई था काशी, इधर आ कैसे चिढ़ा रही थी दीदी को, इधर आके दिखा, देखना हाँ कैसा डांस कर रही है। आप कर तो अच्छे से करना, जोर जोर से बोल। तो दोस्तों देखिए किस किस के भाई बहन ऐसा करते हैं, अपना हिस्से खा लेती, नित्या फटाफट खा लेती है और ये बचा के रखती है, फिर ऐसे करती है चिड़ा चिड़ा के खाओ। डोंट सी बोल, नोट सी नहीं, डोंट सी। आंखें बंद कर लो, बोले आंखें बंद कर लो दोस्तों, मत देखो इसको। गाना तो सुन, गाना मुझे गिरा दिया, उसका गाना तो सुन तू, चिढ़ा चिढ़ा के खाऊंगी। आपके हाथों में पानी आ जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा, चिढ़ा चिढ़ा के खाऊंगी, चिढ़ा चिढ़ा के खाऊंगी। मम्मा मुझे अपने वाला दे दो। दोस्तों यहाँ पे आए हुए हैं मामा जी। ओ मामा हाय कहो ऐसे। तो ऐसे देखिए आर्मी मैन बनके, रिटायर्ड आर्मी मैन बनके आए हैं मामा, पूरे आर्मी का लुक, कुमाऊं रेजिमेंट की कैप पहन के। बढ़िया हो रही है ये, एलाइट है, एलाइटेड कुमाऊं रेजिमेंट, फिर इसमें एक सल्यूट होता, क्या लगते हैं आप। फिर ये देखा, ये देखा देखा, और इनका देखो यहाँ जड़ी बूटी बन रही है ये। तो टाइम कुछ हो रहा है 3:30 और यहाँ पे मेरे पतिदेव आ चुके हैं स्कूल से वापस घर, इतनी लेट आ रहे हैं, और साथ ही में मेरी नित्या भी आ चुकी है स्टडी रूम में। और यहाँ पे आज मेरी दो क्लासेस देखिए एक साथ कैसे चल रही होंगी, ऐसा चल नहीं रही है, इनका टाइम अभी हुआ नहीं है, इनका टाइम थोड़ी देर में है। गिटार की क्लास पहले से चल रही थी, तो अभी ये गिटार की क्लास होने वाली है ख़त्म, फिर होगी इनकी वोकल की क्लास, तब तक मैंने इनको बिठा रखा है काम में, ये ऐसे कॉपी सजा रहे हैं। तो गिटार वाले बच्चे का टाइम होने वाला है, अभी ये वाला गाना बजा रहे हैं, मैं कोई ऐसा गीत गाओ कि आरज़ू जगाओ अगर तुम कहो। और इनका चल रहा है राग, अरे मन समझ समझ पग धरिए। मेरी आवाज़ मत सुनिएगा हाँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, बहुत कोल्ड हो रहा है, तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा सा निकल नहीं पा रही है मुंह से। और इन मैडम का क्या चल रहा है, मुझे मोबाइल दो, बस मोबाइल दो, मोबाइल चाहिए फोन में,
करो बेटा चलो चेंजिंग करके देख, पहले दद्दा की चेंजिंग दिखाते हैं आज। चलो दद्दा स्विमिंग करो। प्रेस प्रॉपरली। तो इन बच्चों को देख के ये बोल रहे हैं हमारे, क्या नाम है इनका, अनुकल्प बोल रहे हैं मैम ये तो इतनी कॉपी सजा सजा के अपना काम कर रहे हैं, ये देखिए कितना सजा रहे हैं ये। और मैंने अभी तक एक अपनी गिटार की भी ड्राइंग ये बना रखी है अपनी नोटबुक में, ये इनकी गिटार की नोटबुक है, गिटार की ड्राइंग। हाँ ये गिटार की नोटबुक है, इसमें मैंने इनको ड्राइंग बनाने के लिए बोल रखा था, इन्होंने अभी तक नहीं बना रखी है, ठीक है। और यहाँ ये इतना सजा रहे, तो मैंने कहा तभी तो गर्ल्स आर गर्ल्स है ना, गर्ल्स अच्छे होते हैं। ये देखो इनकी कॉपी देखो कितनी सुंदर सजा रखी है, तभी तो लड़कियों के काम बहुत अच्छे होते हैं। गिटार बनाओगे है ना कॉपी में, बनाओगे इनको देख के, वरना इनका गिटार चुरा लेना। कहाँ गया, दिखा कॉपी भूमिका, कॉपी दिखाओ अपनी। हाँ यहाँ से गिटार उखाड़ के अपनी कॉपी में चिपका लेना, ठीक है। अब बनाओगे है ना, है ना उनको ये। इन्होंने ताने लिखने में इतना टाइम लगा दिया है, कह रहे मैम हम तो जल्दी आ गए हैं, हम आराम से करेंगे। बल आपके पास ऊपर बहुत सारे कलर्स रखे हुए हैं। अच्छा यहाँ पे लड़ाई हो गई इनकी, जानी तू कैप पहन के। अब देख दीदी लोगों ने कैसे कैप पहनी है। नित्या नित्या आपके पास है ये, मैं भी दे दूंगी आपको। आपके पास ऊपर देखो वो ऊपर रखे हो उसमें, उस डब्बे में मैं फिर दूंगी। पहले आप कैप पहन के आओ, देखो दीदी लोगों ने सबने कैप पहनी है। ठीक है चलो। तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं राग की ताने, इनका अभी एग्जाम तो हो चुका है थ्योरी का, अब इनका होने वाला है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होगा मई या जून में। लिखो बेटा सही सही लिखना, ध को कोमल बनाना। हाँ तो यहाँ पे हमारे वन दद्दा भी आ चुके हैं ये पढ़ने के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरा बच्चे ने मिल ले दिखा एप्पल फोन आईफोन, उसने कहा मम्मा आपके लेने की बस की तो नहीं है, मैं ये आपको बना के दे देती हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं खा दिया ये है नित्या, ये एप्पल कुछ ज़्यादा नहीं कट गया, इसका मुँह थोड़ा सा कटा होता है उसका मुँह। तो दूसरा बच्चा ये इनकी एंट्री होती है यहाँ पे, देखिए क्या जबरदस्त ढांसू एंट्री हो रही है इनकी कंबल के अंदर से। नहीं ले लेगी, नहीं लेगी। ये देखा नित्या मिल्ले आईफोन बना रही है। आईफोन नहीं, क्या बना रही हो फिर? फोन बस। तो इसमें एप्पल क्यों बना दिया, मेरे को लालच देने के लिए? एप्पल खाने थे आप तो जब भूल जाते थे आप खा लेना। अच्छा ठीक है, कब का आपकी? ओके ओके ओके, आई नो कैप में तो घपलेबाजी हो गई है। तो दोस्तों टाइम कुछ क्लास लेने के बाद शाम के बच चुके हैं 5, और अभी मैं जा रही हूँ छत पे चढ़ाने पानी, और फिर से कोहरा आने लग गया है शाम के टाइम पे, दिन में थोड़ी बहुत धूप आई, कोहरा नज़र आने लग गया है। टंकी भरने के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो कोहरा आने लग गया है चारों ओर से। ज्योति है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे आज पता नहीं पापा के क्या हुआ, अचानक से नाक से खून निकल गया। तो दोस्तों यहाँ पे पवन रेडी हो चुके हैं दिल्ली जाने के लिए, दीदी इनको मिलेंगी रास्ते में। स्वेटर थोड़ा अंदर डाल लेते हैं, अंदर वाला बुआ। हाँ तो आज पापा के नाक से भी ब्लडिंग हो रही थी, तो पापा अभी दिखा के लाए, तो अभी रुई वगैरह डाल रखी है, तो अभी रुई डाल रखी है पापा ने और दवा डालनी है, अभी दिखा के लाए एमटी में। बाय बाय नित्या, चल मुड़ी बाय, आओ दादा को छोड़, हाँ चल तू करते रहे, चलो चले जाऊंगा फिर तू करते रहे, कल आ जाएंगे, कल आ जा ले नीचे, तो मुक्का मारो सर पे, ठीक है चल बे चल, बाय बाय आराम से जाना। हाँ फोन रख लिया ना, अभी पापा को ऑटो मिल जाएगा ना, आगे से ऑटो से जाएंगे, चलो अभी मिलेगा ना ऑटो, अभी कहाँ मिल जाएगा, एकदम यहीं पे से, अभी रात हो गई ना, आओ अंदर चलो।
तो यहाँ से पवन निकल गए, वहाँ पे से दीदी, वहाँ से दीदी भी आ गई है अपने घर से, तो अभी उनकी 8:30 बजे की ट्रेन है, तो सुबह पहुँच जाएंगे वहाँ कल, वहाँ से वापस मिलने के बाद। आज पापा के भी पता नहीं नाक में क्या हुआ, उनके भी नाक से थोड़ा ब्लडिंग होने लग गई थी बहुत ज़्यादा। परसों भी एक दिन हुई थी, हमने सोचा कि ऐसे कुछ फोड़ा उड़ा हो रखा होगा, उससे होगा होगा, लेकिन आज घूमने गए तो आज फिर से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो गई थी उनके नाक से। फिर वो दिखा के लाए और पवन गए, फिर यहाँ से आधे रास्ते से कॉल आ गया था, फिर दिखाने के बाद अभी दवा लेके आए हैं, लेकिन अभी तो ठीक है, अभी तो नहीं हो रहा है, अगर ज़्यादा होगा तो फिर कल फिर दिखाएंगे, ENT में दिखा लेते हैं। ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, बाय बाय, सी यू टुमारो।